यहाँ नहीं आया था मैं, तो मैंने सुना था कि ब्रज प्रेम की भूमि है, तो मुझे जी लगा कि ब्रज कैसे प्रेम प्रेम की भूमि हो सकती है। कुछ लोग तो अच्छे बुरे हो सकते हैं, हर जगह होते हैं ऐसे, जी जब यहाँ पर आके देखा तो वास्तव में देखा कि प्रेम की भूमि है। जी देख सकते हैं कि महाराज जी एकदम आंखों में आंसू, और आप देखिए महाराज जी के चरणों में आप नंगे पांव, ये पथरीले कंकरीले स्थान है लेकिन नंगे पांव ही चल रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए, मुझे लग रहा है कि महाराज जी एकदम से भावुक हो गए, और यही निर्जल निश्चल भक्ति का भाव होता है। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे भक्त, एक ऐसे संत महाराज जी का दर्शन कराएंगे जो युवा हैं, और जो हम सबको सदमार्ग पर ले जाने के लिए कि हमारी नई पीढ़ी कैसे सदमार्ग पर जाए, भक्ति की ओर जाए, भक्ति का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में पूज्य महाराज जी बताएंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत नतमस्तक, बहुत बहुत ना ना प्रणाम। ना, ये ना करे भगवान। अरे महाराज जी, अरे 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 अरे, ये तो हमारा सौभाग्य है कि जी 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 महाराज जी, क्या नाम है? संदीप नाम है। संदीप महाराज जी, जी अभी तो युवावस्था आपकी लग रही है, और आपके चेहरे का भाव देखकर जब मैं निकल रहा था तभी मैंने आभा मंडल को पहचान लिया, और जैसे स्वामी विवेकानंद जी को पहचाना था परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो वैसे आपके आभा मंडल का तेज मुझे दिखाई दे रहा है। जी महाराज जी, युवा जो है, हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो अपने भक्ति की तरफ कैसे बढ़ें, अपने धर्म के प्रति कैसे बढ़ें, उसके बारे में जो है जी। जी पहला है नवधा भक्ति में जो आती है, प्रथम भगत संतन कर संगा। बहुत सुंदर, सबसे पहली सीढ़ी ही वहीं से स्टार्ट होती है, प्रथम भगत संतन। उससे पहले तो माँ की सीढ़ी स्टार्ट होती है, शुरू होती है जी, कि जब माँ ही पहली गुरु होती है, आपके संस्कार ही वैसे होते हैं, जब माता पिता से वो संस्कार मिलते हैं तब आप संतों की तरफ बढ़ते हो, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तब भगवंत मिलते हैं, बिना उसके संभव ही नहीं है कि बिना संत के कुछ जी संभव हो जाए। तो संत ही वो रास्ता दिखाते हैं, माँ ही वो रास्ता दिखाती है, पहले पहला रास्ता वही दिखाती है जी। माँ भले ही पढ़ी ना हो, कक्षा एक पढ़ी ना हो, अनपढ़ हो, पर वो ऐसे संस्कार देती है बच्चे को कि वो दूर तक जाती है जी। तो पहला गुरु माँ हो गई, माँ, और फिर उसके बाद संत संत के चरण में जाए, माँ ही संत तक भेजती है, वैसे संस्कार जी देती है ताकि संत मिलते हैं जी। लेकिन देख रहे हैं महाराज जी कि नई पीढ़ी तो इतने मोह माया और सांसारिक मोह माया में लिप्त होती जा रही है कि वो संतों तक तो पहुंचना ही उनका बड़ा मुश्किल है। आज कहाँ संत तक जा रहे हैं, उसके लिए जैसे हम लोग पैसे को बचा के रखते हैं, अच्छा, संभाल कर रखते हैं, वैसे भी अपने जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों के लिए समय देना चाहिए कि जिससे उनका समय एक सदुपयोग हो सके, ऐसा नहीं कि उनको खुला छोड़ देना चाहिए जी जी उनके संस्कार, अपना समय ना कि धन बचाने में रखने, अपना समय उनको उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था या उनकी सोच के लिए, संस्कार के लिए जो समय देना चाहिए वो जी महत्वपूर्ण है। आज देख रहे हैं महाराज जी लोगों के पास पैसा तो है लेकिन सुख और शांति नहीं है। जी उसका कारण क्या है और क्यों इतनी ज्यादा अशांति समाज में बढ़ती जा रही है? उद्देश्य नहीं है लोगों के पास, उद्देश्य नहीं है जीवन का कि हमें किस रास्ते पर चलना है। थोड़ी दूर चले, वहाँ थोड़ा सा हरियाली दिखी तो 5 मिनट बैठे, उसके बाद जैसे ही वो हरियाली दूसरी जगह दिखी तो दूसरी तरफ भटक गए। एक मुख्य उद्देश्य नहीं है कि हमारा, हमें किस मंजिल तक पहुँचना है। हमें जब तक उद्देश्य सामने नहीं मालूम हुआ तब तक हम इधर उधर भटकते ही रहेंगे जी, आवारा पशु की तरीके, जैसे आवारा पशु होता है उसका उद्देश्य का भटकते रहेंगे। आज व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका भी पहला उद्देश्य होना चाहिए, सबसे उद्देश्य शिक्षा। शिक्षा का मतलब, शिक्षा और साक्षरता अलग अलग है। साक्षरता का मतलब आप डिग्री होल्डर हो, और शिक्षा का मतलब आप संस्कारवान हो, आप सामाजिकता आप में होनी चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो आपके पास सामाजिकता होनी चाहिए, जीवन जीने की कला होनी चाहिए, जीवन जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए जी। क्योंकि मानवता यही है, जानवर भी ऐसे होते हैं कि टहलते रहते हैं, घूमते हैं, तो उनका कोई उद्देश्य नहीं, मंजिल नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं उनकी जी। ये अपने लोग इंसान हैं तो एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक नियम होनी चाहिए कि इस नियम के थ्रू जाना है हम जी। हो सकता है गलतियां हो जाए, गलतियां होती हैं, इंसान से ही होंगी, कुत्ते बिल्ली से नहीं होती है, तो गलतियां हो जाए तो उसके यू टर्न ले लो जी, माफी मांगो, पश्चाताप कर लो उसका जी, दोबारा ना। ब्रज में तो है देखिए, और ब्रज का नाम लेते लेते गौ माता भी आ गई, और वो पूरे कन्हैया का जो स्वरूप जो है वो मुझे लगता है आ रहे हैं, और ये बहुत अद्भुत पल है कि बात करते ठाकुर जी की बात आई और गौ माता आ गई, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अनुपम चीज है, बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर हम ब्रज की महिमा कहें या अपने सनातन धर्म के बारे में बातचीत चर्चा करें तो गौ माता का स्पर्श आना बहुत बड़ी बात है। जब यहाँ मैं नहीं आया था जी मैं, तो मैंने सुना था कि ब्रज प्रेम की भूमि है, तो जी मुझे लगा कि
ब्रज कैसे प्रेम प्रेम की भूमि हो सकती है। कुछ लोग तो अच्छे बुरे हो सकते हैं, हर जगह होते हैं ऐसे, जब यहाँ पर आके देखा तो वास्तव में देखा कि प्रेम की भूमि है जी। तो ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सब जगह, मतलब जंगली जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, खाली स्थल यहाँ पर जिससे मिलते हैं वो प्रेम ही प्रेम बटोरता है, प्रेम ही प्रेम देता है जी। जिनसे भी मिलते जाते, जिनसे भी मिलते जाते हैं वो उसके पास प्रेम ही रहता है, उसके पास कोई जी। आप देख सकते हैं कि महाराज जी एकदम आंखों में आंसू, और आप देखिए महाराज जी के चरणों में आप नंगे पांव, ये पथरीले कंकरीले स्थान है लेकिन नंगे पांव ही चल रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। मुझे लग रहा है कि महाराज जी एकदम से भावुक हो गए, और यही निर्जल निश्चल भक्ति का भाव होता है कि बात करते करते ठाकुर जी का नाम आते आते आंखों से भर जाए, और आंखों में मैं आपकी एकदम आंखों को नैन को देख रहा हूँ झरझर करते हुए, ठाकुर जी के लिए जैसे लग रहा है कि हमारे कन्हैया के लिए, बाल गोपाल के लिए, जैसे यशोदा मैया व्याकुल हुई थी वैसी आपकी व्याकुलता दिख रही है श्री शीतल जी। पूज्य महाराज जी एक पल भी नहीं रुके क्योंकि उनकी आंखें भर आई थी, उनकी आंखों में एकदम अश्रु धारा बह रही थी, और वो मुझे लगता है कि जब आप अनंत भक्ति में ऐसे लीन होते हैं, जब भाव में आप लीन होते हैं, जब ठाकुर जी को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो यही स्थिति होती है। देखिए महाराज जी एक अद्भुत शक्ति नजर आ रही है, एक अद्भुत भाव नजर आ रहा है, धीरे धीरे जैसे वो नैनों से ओझल होते हुए एकदम सुदूर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई देव ऋषि, कोई संतगण जो त्याग और तपस्या में लीन यहाँ धरती पर यानी अवतरित हुए हैं और भक्ति और भाव में लीन हो गए, ऐसा ही पूज्य महाराज जी का भाव लग रहा है। कितनी तीव्र गति से चाल एकदम चलती चली जा रही है, अचानक शब्द कहते आंखें भर आई, नयन एकदम जो है अश्रु धारा से एकदम धारा प्रवाह हो गए। महाराज जी ने कहा कि बस बस बस, तो भक्ति का इससे सच्चा स्वरूप, भक्ति का इससे प्यारा स्वरूप आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। आप देखिए ना, यहाँ पर दर्शन करिए ना, कितनी गौ माताएं हैं, एक बार नाम लेते ही एकदम चारों तरफ गौ माताएं दिखाई दे रही हैं। यही ब्रज का स्वरूप है, यही ब्रज की संस्कृति है, और यही ब्रज की भक्ति है। ब्रज की भक्ति में अगर आपने ठाकुर जी को, आप अपने बाल गोपाल कन्हैया को स्मरण करते हैं और साक्षात गौ माता का दर्शन हो जाए तो फिर आप ये समझिए कि आपकी भक्ति पूर्ण हो रही है। एकदम जैसे द्वापर युग में कन्हैया गौ माता को चराने जाया करते थे और उनकी कंठ पर जो लगी हुई घंटियां थी उनकी आवाज सुनाई देती थी, उसी तरह से आवाज सुनाई दे रही है, उसी तरह से वो कानों में जो गूंज जा रही है वो गूंज जो है हम सबको आनंदित कर देती है। ब्रज से अच्छा क्या हो सकता है, गोलोक धाम से अच्छा क्या हो सकता है। इस धरती पर साक्षात ठाकुर जी ने, कन्हैया ने राधा रानी के लिए एकदम ब्रज को बसा दिया। तो आप सब भी जब भी अवसर लगे तो आइए ब्रज में, आइए पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करिए, और जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा हम सबको, हमारी नई पीढ़ी को, कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो हम सब भी अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं और ब्रज के रज को सिर माथे लगाएं।